आइए आज हम बनाते हैं कच्चे पपीते की सब्जी। हम आज इसका कोई कोफ्ता नहीं बनाएंगे, पकौड़ी नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो पपीते के तो गुड़ आप सभी जानते होंगे। इस पपीते को इस तरीके से पहले छीलनी से छील कर साफ कर लेते हैं, इसका छिलका उतार देते हैं। तो देखिए इसको हमने छील लिया है और अब हम इसको कट कर लेते हैं तरीके से। हम इसको कट कर लेंगे, ध्यान इस चीज़ का रहे पपीता बिल्कुल कच्चा ही होना चाहिए, हल्का सा भी पका नहीं होना चाहिए, नहीं सब्जी में मीठापन आ जाएगा। ये ऊपर का हिस्सा हम हटा देते हैं और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। जिस तरीके से हम लौकी कट करते हैं सेम उसी तरीके से कट करेंगे। देखिए बीज का पार्ट है, इसको इस तरीके से हटा देते हैं तरीके से, इसके पीसेस हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसको दो बार पानी से धुलकर साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसका पूरा पानी निकाल देंगे। कि अब इसको पकाने के लिए हम एक कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। देखिए तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और ये पपीते के पीसेस जो हमने कट करके रखे हैं वो इसमें डालकर फ्राई कर लेते हैं। तरीके से इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने पर। इसमें ये एक 1.5 आलू, हमने 2 आलू छोटे साइज के कट करके इसमें मिक्स कर दिए हैं। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन ये हमने इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि बच्चे अगर पपीते के पीसेस नहीं खाएंगे तो आलू की सब्ज़ी तो खा ही लेंगे, अलग से उनको ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसमें आलू मिक्स किया है। अब इनको अच्छे से फ्राई गोलाने देते हैं। इस तरीके से पपीता के पीसेस को इस तरीके से हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं प्लेट को साइड करते हुए। इस तरीके से पपीते के पीसेस को अकेले निकालेंगे। तो देखिए पपीते के पीस को हमने निकाल लिया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं, 1 तेज़पत्ता, और जीरा को अच्छे से चटक जाने देते हैं। हम इसमें 2 प्याज बारीक कट करके डाल देते हैं। गोल्डन होने तक पका लेते हैं प्याज को। देखिए प्याज को हमने गोल्डन होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देते हैं। अदरक हमने इसमें ग्रेट करके डाला है, आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। और ये 2 मीडियम साइज की टमाटर लिए है, उसको पीस लिया है हमने, इसको डाल देते हैं। टमाटर के साथ ही हमने हरी मिर्च और लहसुन भी पीस दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे टमाटर बिल्कुल लाल नहीं थे, इसलिए इसका कलर ऐसा है। अब इस टमाटरों को अच्छे से गलने तक पका लेते हैं। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस तरीके से ढक कर पका लेंगे। तो देखिए टमाटर को अच्छे से पका लिया है, हल्का इसमें तेल ढीली होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और हम इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च टमाटर के साथ ही पीस दिया था, इसलिए रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच डाल देते हैं। इसको
मसालों को अच्छे से पका लेंगे जब तक इसमें तेल निकलने ना लगे। आपने देखा इसमें हमने कितने कम तेल का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा तेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो हर कोई ऑयली खाना पसंद नहीं करता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल कम तेल में बना रहे हैं। इसको अच्छे से पक जाने देते हैं मसाले को, क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। और अब हम इसमें एक चम्मच ये घर की मलाई डाल रहे हैं, ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने के बाद भी हमने अच्छे से मिक्स करके पका लिया है, और अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं एक चम्मच। कसूरी मेथी डालने के बाद पपीते के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे थे वो डालकर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो आपको ग्रेवी जितनी पतली या गाढ़ी रखनी है आप उतना पानी डाल सकते हैं। देखिए इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बनाएंगे हम इसकी। तो हमने सिर्फ इसमें एक कप पानी डाला है, और लास्ट में आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसको ढककर 5-6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देते हैं, क्योंकि पपीते के पीस 50% तो पहले पक चुके थे, बाकी के जो कसर होगी अभी पक जाएंगे। देखिए सब्ज़ी को हमने 5-6 मिनट तक पका लिया है, खोल कर चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी अच्छे से पक चुकी है। और इसके पीसेस को भी हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए पूरी तरह से गल चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको सर्व कर लेंगे। तो देखिए सर्व करने के लिए तैयार हमारी कच्चे पपीते की सब्ज़ी। आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें ग्रेवी ज़्यादा पतली भी नहीं है, हल्की सी ग्रेवी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए बनकर तैयार है ये सर्व करने के लिए कच्चे पपीते की सब्ज़ी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने देखा कि ये बनाना कितना आसान है, बहुत ही कम मसालों से, बहुत ही कम तेल में हमने बनाकर तैयार किया है ये सब्ज़ी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।